कुछ पूछा है हमने आपसे, जवाब दीजिए। ये बच्ची खुद होकर अंधेरी रात को घर से बाहर गई या इसे घर से निकाला गया था? सरकार, वो ये तो नहीं कहेंगे कि सूबेदार के सवाल का जवाब ना देकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बिना जवाब लिए हम यहां से जाने वाले भी नहीं। समझ रहे हैं ना आप सब? माफ करना सरकार, ये हमारे घर की बात है, आप क्यों? जी नहीं, अगर एक बच्ची आधी रात को रोते हुए अपने घर से बाहर सुनसान रास्ते पर पाई जाती है तो मामला घर तक सीमित नहीं रहता, हमारे कार्यक्षेत्र में आ जाता है। एक नाबालिग प्रजा की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इस मामले में हमें किसी तरह की लापरवाही मंजूर नहीं। रेणु ने रात को हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, पर उसके आंसू बता रहे थे। घर के सदस्यों के साथ पूरे समाज ने उसे अंधेरी रात में बाहर निकलने पर मजबूर किया है। किसी ने सोचा कोई जानवर जानलेवा हमला कर सकता था रेणु पर? या ईश्वर ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? आप तो मां है रेणु की, ऐसा कौन सा गुनाह किया इसने जो आपने अपनी ही बच्ची को बेसहारा छोड़ दिया? बताइए। क्या बताऊं सरकार, रेणु की आजी ने कल रात घर से निकाल दिया मेरी बच्ची को। अच्छा, मैंने निकाल दिया रेणु को, तो सरकार को यह क्यों नहीं बता दी कि मैंने क्यों निकाला? सरकार, ये मेरी दूसरी पोती है, मेरे बड़े बेटे की बेटी। दो दिन बाद इसकी शादी होने वाली थी लेकिन टूट गई, सब इस मनहूस रेणु की वजह से। अपनी बच्ची को मनहूस मत कहिए। तो और क्या कहूँ सरकार? आपने कहा रेणु के कारण आपकी दूसरी बेटी की शादी टूट गई, कैसे? मैं बताता हूँ सरकार, मेरे भतीजे की शादी होने वाली थी पर रिश्ता तय करते समय हमें नहीं मालूम था कि दुल्हन की चचेरी बहन विधवा है। इस बात का रिश्ते से क्या संबंध? इतनी कम उम्र की विधवा का घर में होना मतलब भगवान का प्रकोप है परिवार पर। अगर इस घर में हमारे बच्चे की शादी हुई और उस पर ईश्वर का क्रोध टूट पड़ा तो इस लड़की की तरह अगर हमारी बहू भी अपने पति की मौत का कारण बन गई तो? इसीलिए मैं रेणु को समझा रही थी कि ज्यादा यहाँ वहाँ मत निकल, यहाँ वहाँ मत घूम, लेकिन अहिल्या उसे कमरे से नहीं घर के बाहर भी ले गई और घर वापस आते हुए बारातियों की नजर इस अपशुगनी पे पड़ गई और उन लोगों ने पता लगा लिया कि ये विधवा लड़की कौन है। छुपाया था आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया, तो फिर क्या हम भी ना पता करें? हैं? वाह, अपने गांव के विठल मंदिर के पुजारियों का परिवार है हमारा, ये हमारे पुण्य का फल है जो समय रहते हमें सत्य पता चल गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।